हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू G7 असिस्ट चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या डस्क ऑफ ड्रैगन्स ये जो हमारा गेम है ऑफलाइन में वर्क करेगा कि नहीं। तो चेक कर लेते हैं। पर मैं अपना मोबाइल डेटा ऑफ कर देता हूँ, वाईफाई भी ऑफ और मैं ऑफलाइन हो चुका हूँ। अब हम हमारे गेम को ओपन करते हैं। और अगर मैं इस गेम के साइज़ की बात करूँ तो 910 MB का ये गेम आपको प्ले स्टोर पर देखने को मिलता है। एडिशनली में वही 20-50 MB का कुछ अपडेट आता रहता है, तो वो आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ एडिशनली गेम में तो ऐसे कुछ है नहीं देखने लायक। बाकी आप नीचे एक चीज़ देख सकते हैं, लिखा है ऑप्टेनिंग सर्वर इन्फो, तो यहाँ पर आपको एरर भी देखने को मिल चुका है कि ये एक ऑनलाइन गेम है। तो चलो, जो भी है आपका मेन डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा गेम को देखेंगे। तो यहाँ पर मैं गेम को फिर से ओपन करता हूँ। अब ये जो गेम है ना, इसका मतलब कहें तो सर्वाइवल थीम पर ही बेस्ड ये गेम है। और यहाँ पर थोड़ा ड्रैगन ये सब भी हैं, तो वो तो नए नए कॉन्सेप्ट तो नहीं है, बस थोड़ा बहुत कुछ नए नए एलिमेंट्स डाल देते हैं। एट दी एंड सर्वाइव ही करना है हमको इसके अंदर में। वो यहाँ नाम में भी लिखा है सर्वाइवर्स, तो आप समझ गए होंगे। बाकी इधर से बैक होते हैं, यहाँ पर से हम लॉगिन कर लेते हैं। अब मैंने शायद गूगल से लॉगिन करा था, तो एक सेकेंड, तो मैंने गूगल से जो है लॉगिन करा था, तो यहाँ पर मैं लॉगिन कर चुका हूँ। एंड यहाँ अभी जो है हमारा गेम स्टार्ट हो रहा है, तो अभी थोड़ा हम वेट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर गेम के अंदर में। यहाँ फ्रेंड्स का ऑप्शन है, यानी कि मल्टीप्लेयर का भी फीचर है आपको गेम के अंदर में। और सेकेंड चीज़, यहाँ पर से अगर बैक होम में तो आपको सेटिंग दिखा देता हूँ मैं। सेटिंग में आपको यहाँ पर ना मीडियम से मैं सुपर हाइपर करके सेव कर देता हूँ। एंड ओके, कंफर्म पर क्लिक कर देता हूँ। ऐसे तो हीटअप मेरा उतना हो नहीं रहा है मोबाइल। बाकी अब ना हमको यहाँ पर कहीं पे जाना है। अब थोड़ा आप स्मूथनेस देख सकते हैं, थोड़ा बढ़ गई है। और अभी हम होम पे जाएंगे, तो हम थोड़ा चेक करेंगे क्या क्या है। गेम प्ले तो आपको पूरा अपर कैमरा एंगल से देखने को मिलेगा। इस टाइप के काफ़ी सारे अपने लॉस्ट डेज ऐसे ऐसे करके बहुत सारे गेम्स हैं, तो वो आपने देखे होंगे। तो वैसा ही आपको ये भी गेम देखने को मिलेगा। यहाँ पर से हमको ये सारी चीज़ें उठानी है। एंड इसको मारेंगे तो हमारे को एक तो पहली मतलब हमें सबसे पहले ना यहाँ पर कुछ बिल्ड करने के लिए लकड़ी वकड़ी कुछ होगी कि नहीं होगी पता नहीं अपने को। बाकी यहाँ पर से बेक हो जाते हैं। अभी मेरे पास में शायद उतनी लकड़ियाँ है भी कि नहीं, देखा नहीं मैंने। एंड यहाँ पर से इसको हम कुल्हाड़ी है हमारे पास में है नहीं, कुल्हाड़ी बनाने के लिए हमको लकड़ी की ज़रूरत है। लकड़ी हमारे पास में यहाँ से मिल जाएगी, बस अब कुल्हाड़ी बन जाएगी हमारी। तो इधर से पैक होते हैं। एंड अब एक क्राफ्ट करना ही पड़ेगा। अनेबल टू अनसफिशिएंट, कुछ तो आया है, इंसान ही है कोई, है ज़ॉम्बीज़। अब मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है, इन्होंने ड्रैगन्स भी ऐड करके रखे हैं एंड वो भी करके रखा है, तो थोड़ा मुझे भागना पड़ेगा यहाँ पर से। तो क्राफ्ट कर लेते हैं, कुछ तो क्राफ्ट हो चाहिए क्या हमको। इसके लिए 5 लकड़ी चाहिए ना, एक लकड़ी नहीं चाहिए। अभी बहुत सारे पीछे पड़ गए मेरे, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा लकड़ी। वुड, यानी कि वो यहाँ पर एक मिल गया। ऑप्टेंडिक्स लोग बस ये ही लास्ट है आई थिंक। सो यहाँ पर सब एक हो जाते हैं। बाकी बिल्ड करने के लिए ये चीज़ नहीं चाहिए हमको। चलो ये आएंगे तो कुछ मारने के लिए होना चाहिए ना हमारे पास। तो हम इसको इससे भी तो मार ही सकते, पंच से भूल गया था, मगर हेल्थ जाएगी। बाकी हाँ, ये था वीडियो के लिए। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए भी थैंक यू।